वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। और आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। HP गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलने वाली है। तो इसमें आज हम बात करेंगे, अगर आप 17,500 बेहतर वाली नौकरी चाहते हैं तो इंटरव्यू के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। और इसमें रोजगार का अच्छा सुनहरा मौका है। इसके लिए ITI में आपके 60% होने चाहिए और ये इंटरव्यू 9 और 10 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। और ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में जो है वो ये इंटरव्यू लिया जाएगा और कैंपस में लगने वाला है शाहपुर में, ITI शाहपुर में। और देश की जानी मानी कंपनी सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद और गुजरात के लिए साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं का चयन करेगी। और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें आप इसको रीड कर सकते हैं फुल इंफॉर्मेशन को। और इसमें इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया है, एक तो 60% आपका होना चाहिए और साथ में 2015, 16, 17, 18 और 19 जो भी इस पीरियड में जो है वो जिन्होंने ITI करी है वही इस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। और युवा जो है अपना आधार कार्ड, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, बोनोफाइड हिमाचली बोनोफाइड और जो भी ITI का प्रमाण पत्र है उसको साथ में लेके आए और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी अपने साथ ले जा सकते हैं, तभी ये आपका सिलेक्शन जो है वो करने वाले हैं। अगर साथ में एक और अपडेट है जिसमें जिसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, जिसमें जॉब NIT हमीरपुर में प्रोफेसर सहित 76 पदों की वैकेंसी, इसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसमें आप जाके रीड कर सकते हैं। और बात करें जॉब से रिलेटेड अपडेट की तो पहला तो ये बता दिया कि NIT में 76 पदों का जो है वो प्रोफेसरों की वैकेंसी चल रही है। एक ये हो गया, ITI शाहपुर में इंटरव्यू होने वाले हैं 9 और 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट ऑफिसर का जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ पोस्टें निकाली थी उनका विड्रॉल नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हिमाचल प्रदेश सिविल जज का जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो गया है, वैसे तो हो ही गया है, ये तो अभी आज 6 तारीख है तो कल भी होगा, उसका शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का जो है टेस्ट कब होगा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गया, स्क्रीन पे आप रीड कर सकते हैं। पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि आपका 22 दिसंबर को जो है वो ये एग्ज़ाम लिया जाएगा 11 से 1 बजे के बीच में। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें डेट एक्सटेंशन का अपडेट दिया है, जिसका जो है उन्होंने पहले 30 नवंबर डेट रखी थी बट अब अप्लाई करने के लिए जो है उन्होंने 10 दिसंबर कर दिया है। अगर आपके नियर बाई कोई है तो उसे आप बता सकते हैं कि कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एडिशनल डिप्लोमा होल्डर रीअपेयर जो भी अब मार्च में होंगे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा एक और नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें एडमिट कार्ड और टाइपिंग टेस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों का जो है वो 3 जो भी अभी टेस्ट हुआ था उसका टाइपिंग टेस्ट का डेट और डाउनलोड एडमिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप कोई है आपका जानकार या नियर बाई उसको आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वैसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सिंपली क्लिक कीजिए और आप रीड कर सकते हैं। और पुलिस कांस्टेबल CTS रिटर्न टेस्ट फिक्स्ड 22 दिसंबर को जो है इसका रिटर्न टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन क्लियर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कैबिनेट मीटिंग का भी 2 दिसंबर को जो भी हुआ उसमें क्या कौन से कितने बड़े फैसले लिए गए कितने छोटे फैसले लिए गए उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उस पर आप सिंपली क्लिक कीजिए और इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं। नाइलेट भर्ती 2019 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 328 पोस्ट है जो है कुल मिला के, ये दिल्ली के लिए है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो अप्लाई शायद आप कर सकते हैं, अप्लाई करने से पहले पहले आप जो है वो नोटिफिकेशन ब्रीफली रीड कर लें। और एक और न्यूज़ जो अभी चली रही होगी आपने सुन भी ली होगी कि 1000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जल्दी होगी, सेनावृत्ति से पहले कर्मियों को जो है वो पदोन्नति मिलेगी, एक पोस्ट का अपग्रेड मिलेगा, प्रमोशन दिया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम में। और इसका अगर आप रीड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्पाई वाला नर्सिंग असिस्टेंट इसकी रिक्रूटमेंट भी हो रही है, इसका भी नोटिस नीचे लिंक दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए चेक कीजिए और आप
अदर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित इंफॉर्मेशन से आप रूबरू रह सकते हैं, डेली का डे टू डे अपडेट जो आपको मिलता रहेगा। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग जॉब से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हिमाचल प्रदेश में 100 साल इंचार के बाद जो है वो मेधावी लैपटॉप मिलने वाले हैं स्कॉलरशिप का, इसका भी इन्फॉर्मेशन आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो है वो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। 31 दिसंबर से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ बात करें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, तो इन्होंने भी एक नोटिफिकेशन निकाला है और आप अगर रीड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, रीड कीजिए और कैसे कैसे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले पहले नोटिफिकेशन को ब्रीफली रीड कर लीजिएगा, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। और 16 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आंगनवाड़ी का भी चल रहा है, इसका भी आप देख सकते हैं, आपने शायद न्यूज़पेपर कटिंग है और उसी का इन्फॉर्मेशन हमने इसमें लगाया है। 26 नवंबर का है दिव्य हिमाचल का, अगर आप इससे रिलेटेड चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली क्लिक कीजिए और इन्फॉर्मेशन को रीड कीजिए। बात करें हिमाचल प्रदेश सर्विस सेलेक्शन कमीशन की, तो उन्होंने बहुत सारी पोस्ट कोड आपके सामने फ्रेश हो रहे हैं। 658, 67, 69, 76, 786, 704, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 44 विड्रॉ कर दिए गए हैं। ब्रीफली आप इसका इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। और लोअर डिवीजन क्लर्क का भी है, ये लास्ट डेट 16 जनवरी 2019 है, ऑल इंडिया जॉब है। और लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, टेक्नीशियन हो गया, MTS भी हो गया, इसके लिए 16 पद हैं, आप रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स IFCET 2020 रिक्रूटमेंट 2019 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 249 पोस्टें हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 30 दिसंबर से पहले पहले। अगर आप ऑप्शन नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसमें आप क्लिक कीजिए और आप इन्फॉर्मेशन। और अप्लाई करने से पहले पहले एक और बात बता दें, डिस्क्लेमर की, अप्लाई करने से पहले पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर रीड कीजिएगा। CISR पालमपुर में जो है वो फील्ड असिस्टेंट के पदों पर भर्ती होने जा रही है, तो आप इसका भी नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। और JBT शिक्षकों के पदों पर भर्ती 12-12 मतलब अभी 12 दिसंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली क्लिक कीजिए और रीड कीजिए। डाटा ऑपरेटर के 200 पदों पर भर्ती इसका हो गया है अभी। और हाईकोर्ट का जो चल रहा है अभी पटवारी का, इसका आपने रीड कर लिया है। और जो भी SMC शिक्षकों को निकालने का जो है वो निर्णय लिया था, इसके बारे में अगर आप रीड करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जो है वो रीड कर सकते हैं। HPPSC अपडेट लाइट का जो है ये भी एग्ज़ाम अभी होने वाला था दिसंबर में, विड्रॉ कर दिया गया है। ऑप्शनल नोटिफिकेशन आपने अभी तक रीड नहीं करी है तो आप रीड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और रीड कीजिए। और HS का रिजल्ट का आपने देख लिया होगा। और फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती, अगर आपने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट मामला पहुंचा, क्यों पहुंचा, किस लिए पहुंचा, किस तरह पहुंचा, ये सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, सिंपली क्लिक कीजिए और रीड कीजिए। HRTC में जो है 84 कंडक्टरों के रिक्त पद हैं और वो भरे जाएंगे, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और 5 बड़ी रेलवे में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो +2 ITI होल्डर ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, 5 बड़ी भर्तियां चल रही हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कीजिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये 10वीं पास, हिमाचल प्रदेश में 10वीं पास युवाओं के विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरियाँ, और आप 10 जनवरी तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 2020। बस इसी के साथ ही आज के रोज़गार समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग जॉब से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और आप रोज़गार से संबंधित जानकारी से अवगत रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।